मानव मंडल से कन्नी काटने लगे हैं हिमेश रेशमिया। आखिर हिमेश रेशमिया ऐसा क्यों करने लगे, क्यों बदल गए, क्यों रानू मंडल से अब उनकी सहानुभूति नहीं रही? आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या ये सब कुछ सिर्फ दिखावे के लिए था? सवाल बहुत बड़ा है। सोशल मीडिया पर चर्चित रानू मंडल को हिमेश रेशमिया ने अपनी फिल्म हैप्पी हाजी हीर में ब्रेक किया। फिल्म का गाना भी पॉपुलर हो गया। अभी उसी सोशल मीडिया पर रानू मंडल को ट्रोल किया जा रहा है, जहाँ पर सेल्फी ना खिंचवाने, फैंस के सामने एटीट्यूड दिखाने और फैशन शो में ओवर मेकअप करवाने से लेकर कई सारी ट्रोलिंग शिकायतें हैं। आपको बता दें कि उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक देने वाले हिमेश रेशमिया भी अब उनसे कन्नी काटते हुए नजर आए। दरअसल वो मुंबई में हुए एक कार्यक्रम में लाइव परफॉर्मेंस देने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब हिमेश से रानू मंडल के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब बड़ा ही अजीब था। हिमेश ने पहले तो कह दिया कि क्या मैं उनका मैनेजर हूँ जो आप उनके बारे में मुझसे पूछ रहे हैं। अगले सवाल पर हिमेश ने कहा कि इंडस्ट्री में ब्रेक मैंने सिर्फ रानू मंडल को नहीं कई सारे सिंगर्स को दिया है, जिसमें उन्होंने आर्यन, दर्शन, शैनन, पलक, मुच्छल से लेकर कईयों के नाम गिनवा दिए। जब हिमेश रेशमिया से पूछा गया कि क्या आप किसी और गाने में रानू को लेने वाले हैं, तो हिमेश ने कहा कि उनका गाना काफी बढ़िया है। वो कई और म्यूजिक डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से बात करेंगे कि रानू को गाना मिले, क्योंकि उनकी आवाज अच्छी है। जब हिमेश से रानू की ट्रोलिंग पर सवाल पूछा गया तो हिमेश ने कहा कि पिछले काफी समय से मेरी तो ट्रोलिंग नहीं हुई है। हाँ, रानू की सेल्फी वाली ट्रोलिंग के बारे में वो जानते हैं। उखड़े हुए मन उन्होंने आगे कहा कि उनके बारे में आप मुझसे ना पूछो, रानू से ही जवाब मांग लो। तो इस तरीके से उन्होंने उखड़े उखड़े से जवाब दिए हैं, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या वाकई में रानू मंडल की अब कोई मदद नहीं करने वाले हैं हिमेश रेशमिया, या फिर हिमेश रेशमिया का मन बदल गया है? सवाल बड़ा है। इस पर आप ढेर सारे कमेंट करें और बहुत सारे सुझाव दें। नेक्स्ट लाइन भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।